आज आप भाइयों को दिखाऊंगा जी मैं वीवो वालों का एक मोबाइल है, वीवो Y51। अच्छा ये न्यू ख़रीदा है मेरे एक दोस्त ने, मैं उसके साथ ही मैंने लेकर दिया है। अच्छा इसके ऊपर ना हम ग्लास लगा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ना ये शॉप वाले का एक भाई फ़न है वो आपको दिखाऊंगा ग्लास लगाने के मुतलक। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ग्लास लगाता है भाई, कमाल कर देता है। क्यों? ग्लास में एक ज़रा जितनी स्पेस नहीं छोड़ता है और ग्लास लगाता है चंद सेकंड के अंदर। ओरिजिनल ग्लास है जी इसका वीवो Y51। आप भाइयों को मैं मोबाइल भी अभी दिखाता हूं और इसका बॉक्स वगैरह भी दिखाता हूं। सबसे पहले हम ग्लास की तरफ चलते हैं, देखें आप स्पेस वगैरह बिल्कुल बिल्कुल सब साफ कर रहा है वो। आप ऐसे मेरे हिसाब से तो ऐसे भाई हम घर पर भी लगा सकते हैं इसे। तो अभी मैं ग्लास लग गया है तकरीबन, बस थोड़ा बाकी है। आपको मैं मोबाइल भी भाई दिखाता हूँ अभी। और ये काफ़ी अच्छी प्राइस में अभी मार्केट में भी अवेलेबल है। तो ऑनलाइन इसके क्या प्राइस चल रखे थे यानी कि जरीर बुक स्टोर में, वो भी आपको बता दूंगा। और यहाँ शॉप वगैरह पर जो प्राइस इसके लेटेस्ट अभी आ रखे हैं वो भी काफ़ी अच्छे प्राइस हैं। तो देख लें ये मोबाइल वीवो Y50 था, अभी ये Y51 लेटेस्ट मॉडल आया जी। 8 GB रैम है और 128 GB स्टोरेज के साथ। तो ग्लास आपको मैं क्लोजली करके थोड़ा दिखा रहा हूँ, कोई किसी किस्म का ग्लास में बैक साइड पर इसका जो कवर है जी वो ओरिजिनल कंपनी की तरफ से बॉक्स के अंदर से मिला है। तो कवर तो लग गया लेकिन ग्लास इसका मार्केट से हमको लगवाना पड़ता है। आम शॉप वगैरह पर इसका ग्लास भी अवेलेबल नहीं होता है। नीचे से कवर भी देख ली बिल्कुल ऐसे, चार्जिंग की जगह के ऊपर भी बकायदा कवर है, आप उसे हटा कर फिर चार्जिंग के पर इसे लगा सकते हैं। टाइप सी केबल है ये। अच्छा इसके मुतलक ना मैं आपको एक कम्प्लीटली वीडियो इसकी शेयर करूँगा, इंशाल्लाह ताला इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसमें आप भाइयों को मैं इसकी कम्प्लीटली इसका एक रिव्यू आपके साथ और इसके लेटेस्ट प्राइस जो इस वक्त चल रहे हैं वो तमाम तरह डिटेल आप भाइयों के साथ उस वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो ये सिर्फ 10 रियाल लगते हैं ऐसे ग्लास लगाने के, लेकिन ये हमने इस शॉप वाले से बिल्कुल फ्री लगवाया है जी, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। इसके साथ एक बॉक्स पैक भी हमें मिला था, वो भी आप भाइयों के साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगा।